जय हिंद। इस वीडियो में लोग अमरा वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे। आपको पता है कि अमरा वर्ल्ड को अमरा ग्री के नाम से भी जाना जाता है। खैर, नाम छोड़े हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपको पता है पिछले 2-3 दिनों से इस कंपनी में काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखी जा रही है। शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है और आज से इसमें अपर सर्किट भी लगा है। ऐसे में क्या वो लोग जो इसमें फंसे हुए थे उन्हें अब निकल जाना चाहिए या थोड़ा दिन और ठहर के अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? इन्हीं सब मुद्दों पर इस वीडियो में आसान भाषा में बात होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो अमरा वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड कंपनी है, जिसको आप अमरा ग्री भी कहते हैं, वह काम करते हैं। तो आपको पता है ये कपड़ा व्यवसाय का काम करती है कंपनी, कपड़ा व्यवसाय से जुड़ी हुई है और उसके अलावा स्टॉक मार्केट में और हैवी मेटल्स वगैरह उसमें ट्रेडिंग भी करती है। मार्केट कैप है 20 करोड़, यानी कि एक पेनी स्टॉक कंपनी है और शेयर प्राइस देखिए 1.95 रुपया है। आज के दिन इसमें अपर सर्किट लगा है, अर्थात अभी ग्रीन सिग्नल में आपको ग्राफ में दिख रहा होगा शेयर प्राइस, मतलब शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। हाई लगा चुका है 4 रुपये का। यह हाई लगाया था इसी साल 20 जनवरी को। 20 जनवरी को हाई लगाने के बाद से कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हुआ, तो अब जाकर फिर उठना शुरू हुआ है और देखेंगे अभी कंपनी का शेयर प्राइस अप ट्रेंड ग्राफ में आ गया है, अर्थात शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब पिछले कुछ 2-3 दिनों से इसमें अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है, तो उसकी बदौलत एक सप्ताह का इसका जो रिटर्न है 20% पॉजिटिव में आ गया है। यानी कि एक सप्ताह में ही कंपनी ने 20% का रिटर्न दे दिया है। एक माह का रिटर्न अभी भी थोड़ा सा निगेटिव में बचे हुए -6%। हालांकि अभी तो अप ट्रेंड ग्राफ स्टार्ट हुआ है, शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो एक माह का जो रिटर्न निगेटिव में बहुत जल्दी अभी पॉजिटिव में आ जाएगा। और साल भर का रिटर्न तो पॉजिटिव में ही 185% का रिटर्न सालाना कम बात नहीं है। पेनी स्टॉक ने इतना रिटर्न दे दिया, यह भी अच्छा है। अब समझिए इसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 2.50 रुपये रहेगा, क्योंकि यहीं से लुढ़कना शुरू हुआ था, मतलब जब ज़्यादा तेज नीचे आना शुरू हो गया था। तो और दूसरा जो इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 3 रुपया, 3 रुपया के लेवल को अगर पार कर जाता है तो समझिए बहुत संभावना है कि एक ही अपर सर्किट में ये अपने हाई को ब्रेक कर दे, एक नया हाई बनाए। हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम है, बहुत कम नहीं लेकिन फिर भी कम है। और सपोर्ट लेवल रहेगा 2.29 रुपये। हालांकि अभी तो अपर सर्किट लगा है, शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा, फिलहाल सपोर्ट लेवल उतना मायने नहीं रखता। RSI देखेंगे, RSI आ गया है 55 और अभी अप ट्रेंड में RSI ऊपर जाएगा। कम से कम RSI 70 जाने के बाद ही नीचे की तरफ लुढ़केगा, अभी फिलहाल नीचे लुढ़कने का कोई चांस नहीं है। और जब तक RSI 70 जाएगा आराम से यह जो आपने 3 रुपये के लेवल को पार कर चुका रहेगा। जब इसने अपना हाई लगाया था 4 रुपये का, उस समय इसका RSI 100 के लगभग चला गया था, 100 के आसपास चला गया था, तो शेयर प्राइस हाई से थोड़ा सा टूटता है, तो इसमें भी थोड़ा सा गिरावट हुआ था, लेकिन बाकी ठीक है। फंडामेंटली भी अगर देखें तो आपको पता है कि Q3 के जो रिजल्ट आए थे कंपनी का, उसमें शानदार कंपनी ने प्रदर्शन किया था। थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे रेवेन्यू जो कंपनी का था Q3 में, देखिए Q2 में -76 लाख का कंपनी को लॉस हो गया था कह सकते हैं। उस लॉस को रिकवर करते हुए कंपनी आई सिर्फ 3 लाख पर और प्रॉफिट भी कंपनी को नहीं था, Q2 में लॉस में था यह कंपनी, -1.16 लाख का लॉस हुआ था। उस लॉस को कम करते हुए Q3 में कंपनी 7 लाख तक आई और अर्निंग पर शेयर भी देखिए बेहतरी हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। मतलब अगर ये कहें कि क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के कामकाज ठीक चल रहा है तो कोई खराब बात नहीं होगा। यहाँ समझेंगे कंपनी के पास जो खुद की असेट्स होते हैं, कंपनी की जो खुद की संपत्ति होती है, वह 11.65 करोड़ का है और यह देखिए बढ़ते जा रहा है। साल दर साल कंपनी की असेट्स बढ़ रहे हैं, यह अच्छी बात है। और लियाबिलिटीज देखिए सिर्फ 9 लाख की लियाबिलिटीज कंपनी के पास, मतलब दूसरों की संपत्ति जो लौटाना रहता है वो सिर्फ 9 लाख का है कंपनी के पास। हालांकि यह देखिए पिछले 1-2 क्वार्टर से बढ़ा है, पहले लियाबिलिटीज नहीं था, लियाबिलिटीज बढ़ा है, कायदे से इसको कम होना चाहिए। हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ इसके चलते लियाबिलिटीज बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट का लियाबिलिटी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं रहता। फिर भी अगर हो सकता है प्रॉफिट कंपनी के पास आएगा, रुपया आएगा, तो कंपनी अपना लियाबिलिटीज कम कर लेगी। इसमें होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक के पास मैक्सिमम शेयर्स पड़े हैं, सभी के सभी शेयर्स पब्लिक के पास पड़े हैं मैक्सिमम क्या, और एनालिस्ट जो है इसको 100% इस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। और मेरा भी सजेशन रहेगा कंपनी एक तो पेनी स्टॉक है, लेकिन पेनी स्टॉक के बदौलत जो इसका फंडामेंटल है और जो काम काज करती है कंपनी, वह दोनों यह ठीक है और आने वाले समय में कंपनी ऊपर जा सकती है, ग्रोथ कर सकती है। तो अगर आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, मेरे कहने पर नहीं कीजिएगा। मेरा बस सुझाव यह है कि हाँ आप कर सकते हैं, कंपनी ठीक है, और जो लोग फंसे हुए थे पहले से अगर निकलना चाहते हैं तो देखिए आपके लिए सुनहरा मौका है, आप निकल भी सकते हैं और अगर ठहरना चाहते हैं तो ठहर भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरा सुझाव यह रहेगा कि बेशक आप थोड़ा दिन ठहर लीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकलिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।